दोस्तों, बेचनी हो अपनी पुरानी कार या बंगला या घर, या किराए पर उठाना हो अपना मकान, या अपने बिजनेस या स्कूल या इंस्टीट्यूशन का करना हो प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, इन सब में आएगा काम। और तभी काम नहीं आएगा, मंथ में भी काम आएगा, क्योंकि CBSE या सारे स्कूल्स का पर्पज़ ये होता है कि बच्चों को बनाए स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स में, कि आने वाले चैलेंजेस को कर सके कम्पीट। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट। चलिए, तो एडवर्टीजमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर देयर? वेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट दोस्तों। पहला एडवर्टीजमेंट है हमारा क्लासिफाइड, और दूसरा है कमर्शियल। जैसे वो नाम से ही क्लियर है कि कमर्शियल मतलब बिजनेस प्रमोशन के लिए, और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट मतलब कोई भी एक आम इंसान, एक ऑर्डिनरी पर्सन, अगर टीवी में या न्यूज़पेपर में कोई विज्ञापन देना चाहे, एडवर्टीजमेंट देना चाहे, अपनी गाड़ी बेचना है पुरानी, या अपना मकान बेचना है, किराए पर उठाना है, कोई मिसिंग पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, मांगनी है, या उसे कोई भी मतलब कोई भी उसके घर में बहुत कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके बारे में कोई सूचना देनी है, ऑबिचुअरी नोटिस देना है, एडवर्टीजमेंट देना है, तो ये सब आएगा क्लासिफाइड में। इसका एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर में दूंगा, दिखाऊंगा कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं। चलिए, तो एडवर्टीजमेंट देखिए बोर्ड पर। पहला है क्लासिफाइड, मतलब जो एक आम आदमी, जो बिजनेस के लिए नहीं, एक प्रमोशन मतलब एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रमोशन के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो होंगे क्लासिफाइड। और दूसरी तरफ है कमर्शियल। कमर्शियल कौन विज्ञापन देगा? हु विल गिव एडवर्टीजमेंट कमर्शियल एडवर्टीजमेंट? ऑफ कोर्स बिजनेसमैन, प्रमोशन के लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर बिजनेस। तो चलिए देखते हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कितने टाइप के होते हैं। जैसा मैंने बता ही दिया है दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। सिचुएशन वैकेंट मतलब अगर वांटेड आपको किसी कर्मचारी एम्प्लॉय की जरूरत है, इफ़ यू रिक्वायर एम्प्लॉय इन योर कंपनी, इन योर फैक्ट्री, इन योर स्कूल, आप देंगे विज्ञापन एडवर्टीजमेंट क्लासिफाइड में, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड भी। दूसरा है सेल और परचेज। सेल और परचेज का मतलब यहाँ पुरानी गाड़ी या घर कुछ बेचना है आपको, सेल या खरीदना है, तो सेल और परचेज। थर्ड है मैट्रिमोनियल, शादी के लिए आपने देखा होगा। तीसरे या चौथे पेज में आप देखेंगे ढेर सारे विज्ञापन दिए रहते हैं मैट्रिमोनियल, संडे के स्पेशली संडे को आपने देखा होगा ढेर सारे मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए विज्ञापन आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं। नेक्स्ट है ओबिचुरी, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है, सडन डेथ हो जाती है, डिमाइस हो जाती है, तो इन्फॉर्मेशन जो देते हैं एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, उस न्यूज़ को, उस एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं ओबिचुरी। नेक्स्ट है आपका टू लेट, आपको कुछ किराए पे देना है, और या कोई मिसिंग पर्सन या पैट के बारे में अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट देना है, तो ये सब आएगा क्लासिफाइड, क्योंकि ये प्रमोशन के लिए नहीं है, कोई बिजनेस के लिए नहीं है, ये आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आप इसमें चाहिए, इस तरह के विज्ञापन में चाहिए कम स्पेस, केवल वर्ड यूज होते हैं, सिंपल होता है, बहुत कम वर्डों में ब्रीफ होना चाहिए, और बॉक्स के अंदर बनाएंगे, हालांकि बॉक्स के अंदर तो दोनों ही बनाएंगे। चलिए, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देखिए, इसमें कमर्शियल प्रमोशन के लिए होता है, इसमें टाइप नहीं है। इसमें हम फीचर्स देखते हैं कमर्शियल, विजुअली अट्रैक्टिव मतलब दिखने में बहुत आकर्षक हो, इट शुड बी प्लीजेंट टू लुक एट, देखने में बहुत सुंदर लगे। इसका मतलब क्या है? आप इसमें विजुअल्स बना सकते हैं, आप पिक्चर दे सकते हैं, और इसमें वेरिंग फोन साइज और शेप। भैया देखो, क्लासिफाइड में जो फोन साइज होगा वो एक जैसा रखना पड़ेगा, लेकिन कमर्शियल में आप फोन साइज मतलब लेटर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि दिखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। आप स्लोगन या पंचलाइन देखिए, हमने स्लोगन भी दिया है, अब की बार किसकी सरकार, ये हिंदी में है लेकिन आपको इंग्लिश में देना होगा स्लोगन या पंचलाइन। उससे क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है, जैसे दिमाग की बत्ती जला दे, कौन मिंटॉस का है विज्ञापन, और ये दिल मांगे मोर, तो इस तरह की ये पंच लाइन कहलाती है। कमर्शियल एडवर्टीज में पंच लाइन लिखना ना भूले, एक पंच लाइन, इट स्टे इन द माइंड
ऑफ द रीडर। चलिए नेक्स्ट, आपको लैंग्वेज कलरफुल और लूसिड, लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, कलरफुल भी दे सकते हैं आप। अब मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड दिखाता हूं तो थोड़ा सा पिक्चर और होगा क्लियर। तो दोस्तों ये देखिए मेरे आप, मैंने एक न्यूज़पेपर होल्ड करके रखा है जिसमें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दिए, ढेर सारे एडवर्टीजमेंट दिए हुए हैं और यही है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एक पेपर में बहुत सारे, क्योंकि ये एक आम आदमी देते हैं, कोई बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं दे रहे हैं। और देखिए फॉन्ट साइज लगभग बराबर है, सेम है। अगर आपको अपना एडवर्टीजमेंट हाईलाइट करना है तो उन्होंने हाईलाइटर यूज़ किया है। चलिए तो ये था हमारा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। कमर्शियल जो है आप पेपर में कितनी भी साइज ले सकते हैं, क्लासिफाइड में वर्ड्स यूज होते हैं, केवल वर्ड्स, कोई भी डिज़ाइन नहीं होगी, विजुअल्स नहीं होंगे, केवल वर्ड्स होंगे। और कमर्शियल में आप पिक्चर दे सकते हैं और कोई भी विजुअल बना सकते हैं और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देखने में अच्छा होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जांपल्स, तो एग्जांपल से और होगी पिक्चर क्लियर एडवर्टीजमेंट की। तो दोस्तों लेकिन इससे पहले इस स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। चलिए दोस्तों लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल है और देखिए, चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन। सत्यम कंप्यूटर रिक्वायर्स अ रिसेप्शनिस्ट, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर। तो हमें नेशनल न्यूज़पेपर के लिए 50 वर्ड्स में एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बनाना है और हमेशा सिचुएशन वैकेंट के लिए, तो जन ऑब्वियसली क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होगा। चलिए देखते हैं, पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सिचुएशन वैकेंट के लिए क्या पॉइंट्स, शुरुआत करिए रिक्वायर्ड या वांटेड से। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, एज, पे स्केल, पर्क और मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब हैंड रिटन देना है, मतलब वहीं जाके खुद ही इन पर्सन देना है, ईमेल करना है, क्या करना है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल, लेट्स सी एन एग्जांपल। हमने हेडिंग डाला सिचुएशन वैकेंट, फिर नीचे शुरुआत करते हैं। चलिए वांटेड से शुरुआत करना, वांटेड क्या चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, फॉर किसके लिए, फॉर सत्यम कंपनी दिल्ली। क्वालिफिकेशन देखिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इसके बाद प्रेफरेंस, मेल या फीमेल, फीमेल ऑफ एज ग्रुप 28 to 35, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। तो सैलरी और जो आपको मिल रहा है वो अदर बेनिफिट्स, वो आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मिलेगा। किसको अप्लाई करना है, अप्लाई टू मैनेजर विथ कंप्लीट बायोडाटा बाय 25 February 2020। फोन नंबर दिया है, आप चाहें तो आगे एड्रेस भी दे सकते हैं, अपना कॉमा करके यहां पर एड्रेस दे दीजिए, एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल था सिचुएशन वैकेंट का, मतलब आपको कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखना है, केवल फ्रेजेस यूज करना है, वर्ड यूज करना है, आपको इज आर एम वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, केवल वर्ड्स और केवल वर्ड्स, और वो भी बड़े लॉजिकली अरेंज्ड हो। चलिए इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का, जब तक इसका जल्दी से स्नैपशॉट ले लीजिए आप लोग। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। चलिए देखते हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का एक एग्जाम्पल। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स पहले आई हैव ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट्स विथ यू कि कलरफुल होना चाहिए, फॉन्ट साइज कुछ भी हो, आप विजुअली अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, आप उसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको।
चलिए देखते हैं एक कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। देखिए सबसे पहले हमने लिखा हमारा बाबा गैंग, मतलब वॉच का नाम। क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट टू प्रमोट सेल ऑफ बाबा गैंग वॉचेस टू बी पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन एक ही, आपको कमर्शियल एडवर्टीजमेंट बनाना है प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट सेल ऑफ बाबा गैंग वॉचेस और टू बी पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो चलिए हमने पहले हेडिंग डाली और देखिए फोन साइज बड़ा लिया है, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, बाबा गैंग वॉचेस। सही, फिर हमने ऑफर्स, इसमें देखिए आपको ऑफर देना है अगर आप चाहें तो, और फीचर्स बताने हैं, और एक जो आपका प्रोडक्ट है उसका इमेज पिक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए हमने वॉच का पिक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पर ऑफर दिए, ऑफर क्या है, फ्लैट 10% डिस्काउंट, हरी अप ऑफर अप टू 27 February 2020। उसके बाद अपने फीचर्स लिखे, वाटर रेजिस्टेंट है, स्पोर्टी डिज़ाइन है, हाई बैटरी बैकअप है, और लास्ट वाला सपोर्ट एंड्रॉइड। नीचे हमने एड्रेस लिखा, फ़ोन नंबर, और ये हो गया आपका कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। तो आपको कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं, अलग अलग फ़ोन साइज ले सकते हैं, वो आप सब कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट एंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। जल्दी से स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो।